नमस्कार दोस्तों, YouTube ऑलराउंडर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए तीन गैजेट्स लेकर के आया हूँ जिसकी हम लोग रिव्यू करेंगे, ताकि यदि आप लोगों को ये ख़रीदना हो तो आप लोग इसको ख़रीद करके यूज़ कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग आइए इसको रिव्यू करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है ब्लूटूथ USB ऑडियो रिसीवर। ये मेरे पास में आईबॉल कंपनी का है। वैसे ये जो ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर जो रहते हैं ये लोकल भी आते हैं, बाकी मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप कंपनी का ही प्रोडक्ट ख़रीदें, ताकि इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह काफ़ी अच्छी रहती है। ये अपन थोड़ा सा दूर बैठ करके भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये जो रहता है एक पेन ड्राइव जैसा रहता है, जैसे आपके पास में कोई होम थिएटर हो, आपके पास में जो कोई भी TV हो जिसके अंदर पेन ड्राइव का पोर्ट हो, लग सकता हो पेन ड्राइव का पोर्ट हो पेन ड्राइव लग सकता हो, वैसा कोई भी आपके पास में हो, तो अगर वो नॉन ब्लूटूथ है तो आप इसको ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आईबॉल कंपनी का है। ये मुझको 450 रुपीज़ का पड़ा था। आइए इसको देखते हैं। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बाकी काफ़ी यूज़फुल रहती है ये। ये देखिए, ये आईबॉल का है ब्लूटूथ USB। ये देखिए, ये बिल्कुल पेन ड्राइव के जैसा दिखता है। ये आपके USB पोर्ट के अंदर प्लग इन हो जाता है। जिस भी चीज़ के अंदर आपके पास में ब्लूटूथ नहीं है, जैसे आपका होम थिएटर हो गया, आपका LCD LED हो गया, जो ओल्ड मॉडल्स रहते हैं जिनके अंदर ब्लूटूथ नहीं आता है, आप चाहते हैं कि वो उसके अंदर भी ब्लूटूथ हो, तो आप ये वाला डिवाइस आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हमारा दूसरा गैजेट है ब्लूटूथ ईयरफोन्स। ये देखिए, ये यूबॉन कंपनी के ब्लूटूथ ईयरफोन्स हैं। ये इनका साउंड काफ़ी अच्छा आता है। ये मुझको 500 रुपीज़ के पड़े थे। आइए हम इसको खोल करके देखते हैं। काफ़ी यूनिक पैकिंग है इसकी। इसके अंदर ये एक ना बॉक्स आता है, जिसके अंदर हम लोग कहीं पर भी अगर जाएं तो अपना ईयरफोन जो है कैरी करके ले जाएं, ताकि वो डैमेज ना हो, वायर वगैरह कहीं पर खींच ना जाएं। ये देखिए, इसके अंदर इसको चार्ज करने के लिए USB कॉर्ड आता है, और ये इसके ईयर के अलग अलग प्रकार के आते हैं। किसी का कान में कौन सा वो फिट होता है उसके लिए ये रहते हैं। ये बॉक्स है और ये आपका ब्लूटूथ ईयरफोन है। ये देखिए, ये यूबॉन कंपनी का ब्लूटूथ ईयरफोन है। ये मुझको 500 रुपीज़ के अंदर पड़ा था। काफ़ी यूनिक पैकिंग के साथ में आता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपके आपके पास में कैरी करने के लिए बॉक्स की केसिंग भी आती है। काफ़ी यूनिक पैकिंग के साथ में आता है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी अगर आपको ब्लूटूथ ईयरफोन लेना है अंडर 500 रुपीज़, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आइए दोस्तों, ये है तीसरा गैजेट। इसको आप एक गैजेट कहें या ये एक रेडियो है, जो कि हम जो कोई भी 90s का बर्थ है जिन लोगों का, वो लोग रेडियो के बारे में जानते होंगे। रेडियो उनके लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा महत्व भी रखता होगा, जैसे मेरी रखता है। मेरा 92 का बर्थ है और मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि मैं जब छोटा था, मैं हमारे टाइम पे दूरदर्शन चला करता था, ऑल इंडिया रेडियो चला करता था। हम लोग मैचेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऑल इंडिया रेडियो पर सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। आज भी मैं मतलब AM/FM रेडियो सुनना काफ़ी पसंद करता हूँ। तो ये पैनासोनिक कंपनी का एक रेडियो है, जो कि आज की तारीख के अंदर ये एक्चुअली ये एक पॉकेट रेडियो है। आज की तारीख के अंदर AM और FM दोनों के दोनों रेडियोज एक साथ मिलना बहुत मुश्किल होता है। पॉकेट रेडियो तो लगभग आप ये मान करके चलिए के बनना बंद ही हो गए हैं। आप किसी भी शॉप पर जाएंगे आपको नहीं मिलेगा। आपको पहले मिल जाते थे, लेकिन अब नहीं मिलेगा। ये आपको ऑनलाइन ही मिलेगा और कंपनी का आइटम ही मिलेगा। तो ये मैंने पैनासोनिक कंपनी का मंगाया है। ये मुझको 999 का मिला है। ये इसके अंदर AM और FM दोनों चलता है। आइए हम इसको देखते हैं।
ये इसका यूज़र मैनुअल है, और ये आपका रेडियो है। इसके अंदर दोनों मोड दिए हुए हैं, एएम और एफएम। एफएम जो रहता है तो उसको आप नॉब को ऊपर कर दीजिए, एएम के लिए आप उसको नीचे कर दीजिए। ये दोनों रिसीवर्स इसके अंदर काम करते हैं। ये आपका जो है फ्रीक्वेंसी को आप ना ट्यून करके सेट करने के लिए है, और ये आपका पावर ऑन ऑफ का बटन रहता है। यहाँ पर बैटरीज वगैरह लगाई जाती हैं, यहाँ पर दो डबल ए बैटरीज लगती हैं। ये मुझको 999 रुपीज़ का पड़ा था। इसके अंदर एक ईयरफोन भी दिया जाता है, ये देखिए, इसके अंदर एक ही कान के अंदर लगाने के लिए दिया जाता है, ताकि आप आपको सराउंडिंग्स की भी आवाज़ सुनाई दे। यदि आप दोनों कानों के अंदर आप ईयरफोन को प्लग इन कर लेते हैं, तो आपको सराउंडिंग्स का कुछ भी मालूम नहीं पड़ पाता है। यदि आप इसको ला करके आप में ना मैच को सुनते हुए बाहर जा रहे हैं, या कोई भी अगर आप न्यूज़ वगैरह सुनते हुए बाहर जा रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ईयर के लिए दिया जाता है। इसको आप लेफ्ट में भी लगा सकते हैं, राइट में भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा था थर्ड गैजेट दोस्तों। ये जो रेडियो है, ये आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा, ये फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगा, आपको पैनासोनिक के अलावा सोनी कंपनी का भी मिल जाएगा, फिलिप्स कंपनी का भी मिल जाएगा। बाकी सबसे कम रेंज के अंदर अगर आप लेना चाहते हैं तो पैनासोनिक का आपको मिल जाएगा, वरना फिलिप्स का आपको 1500 तक मिलेगा, सोनी का आपको 2500 से स्टार्ट होता है। तो जो जो भी कोई ब्रांड वाली जो कंपनियां हैं, उनके अंदर सबसे कम प्राइस के अंदर आपको पैनासोनिक ही प्रोवाइड करा रहा है। तो मैंने तो पैनासोनिक का लिया है, आप लोग आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ले सकते हैं। बाकी जो लोग एएम और एफएम दोनों सुनना पसंद करते हैं, आकाशवाणी वगैरह सुनना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए, और जो कोई पॉकेट रेडियो पसंद करते हैं उन लोगों के लिए बेस्ट है। नहीं तो जो पॉकेट रेडियो नहीं है, जो बड़े साइज़ के रेडियो आते हैं, वो तो लोकल ब्रांड्स के भी मिल जाते हैं। बाकी पॉकेट साइज़ के रेडियोज़ के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ कंपनियाँ ही निकालती हैं, जो पहले भी निकालती थी, जो आज भी निकालती हैं। जो स्टैंडर्ड कंपनियाँ हैं, वो लोग अपना कभी भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कभी भी बनाना बंद नहीं करते हैं। जैसे पैनासोनिक हुआ, फिलिप्स हुआ, सोनी हुआ, इनके रेडियोज़ पहले भी आते थे पॉकेट रेडियोज़, और आज भी आते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इन तीन चीज़ों का रिव्यू किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस लेकर के मैं आपके लिए आता रहूँगा। अगले तीन और गैजेट्स लेकर के मैं अगले वीडियो में आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।